हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का लेक्चर 1। ये जो यूनिट है बच्चे, ये बहुत बड़ी है। जो यूनिट 1 होती है इसकी, जिसका शायद से फंडामेंटल्स है, जिसके अंदर अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स जो हम पढ़ने वाले हैं। हम पूरी यूनिट को एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, इसीलिए पूरी यूनिट को अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाए और एक बेस जो क्रिएट करना है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर पाए। अगर पूरी यूनिट को एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे ना बच्चे, तो 5 से 6 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, लेकिन वो जल्दी जल्दी में बस किसी भी तरीके से सिलेबस कवर कराने वाली बात हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, इस यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं आपको, जो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चे, वो आपको नेट के एग्जाम में भी मिलते हैं कॉमर्स के। तो इसीलिए आपका इसमें बेस बनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने नाम देखा, टॉपिक का नाम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो सबसे पहले वर्ड क्या आया बच्चे? पार्टनरशिप। और हमारा तरीका क्या है, हर वर्ड का मीनिंग देखते चले जाएंगे। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनर और पार्टनरशिप, तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जब हम बोलते हैं डिफाइन, तो आपको याद होना चाहिए कि जब डिफाइन की बात करते हैं तो हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं। एक होता है मीनिंग, मीनिंग में आप जनरल कोई भी मीनिंग लिख सकते हैं अपने आप से भी बनाकर, लेकिन डेफिनेशन में आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही देनी पड़ती है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन कौन से हो सकते हैं? किसी ऑथर ने दी है ना, या फिर किसी एक्ट में या लॉ ने जो डेफिनेशन दी होगी वो वाली डेफिनेशन, क्योंकि ऐसे डेफिनेशंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मीनिंग तो इन जनरल आप उस वर्ड के बारे में क्या समझते हैं, मीनिंग तो वो हो गया, लेकिन डेफिनेशन एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। आप उसमें कोई वर्ड, कोई भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो जैसी है वैसे के वैसे याद करनी पड़ती है आपको। तो इसका कोई और रास्ता नहीं, आपको इसका रट्टा लगाना पड़ेगा। अगर डिफाइन पार्टनरशिप की बात हो रही है तो मतलब बात हो रही है डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो उसकी है, कहाँ पे है? सेक्शन 4 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, क्वेश्चन आ जाता है, 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में क्या डिफाइन किया पार्टनरशिप को? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons। ये एक बात याद रखिएगा, 2 or more persons, दो या दो से ज्यादा, Who have agreed, जो एग्री कर जाते हैं, वही एग्रीमेंट की बात आ गई। टू शेयर द प्रॉफिट्स, क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है बच्चे। फिर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, फिर क्या है, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस को कौन कर रहा है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, एक्टिंग फॉर All. Definition क्या था? Partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. तो अब इसी definition में से बच्चे ध्यान से देखो, two or more की बात हुई, उसने बोला two or more, ये देखिए दो या दो से ज्यादा, तो features पे आ जाओ। Features और elements क्या होते हैं, जरूरी चीजें क्या partnership में, पार्टनरशिप होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, अगर एक भी फीचर नहीं होता तो पार्टनरशिप नहीं है फिर। तो क्या है, टू और मोर, यानी कि दो या दो से ज्यादा, टू और मोर। अकेला आदमी पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, किसके साथ करेगा? दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, मैक्सिमम 50, इन जनरल मैक्सिमम 50, लेकिन मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? मिनिमम होने चाहिए 2 or more। दूसरी बात, हु हैव एग्रीड, एग्रीड मतलब उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग और उनके बीच का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या हो सकता है? एग्रीमेंट कि वो साथ में एक बिजनेस करेंगे, उसके प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए उन लोगों के बीच में कि हम साथ में बिजनेस करेंगे। फिर क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव, उस बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव। आपने अगर चैरिटी के लिए कुछ खोल लिया है तो वो एनजीओ जैसा हो गया ना, उसमें बिजनेस तो है ही नहीं, तो बिजनेस का होना जरूरी है। बिजनेस कब होता है? जब आप कुछ काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो। फिर क्या होना चाहिए? शेयरिंग, एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, उन लोगों के बीच में प्रॉफिट बटना चाहिए कि वो लोग इंटरेस्टेड है प्रॉफिट शेयर करने में, कि हम लोग साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट्स बांटेंगे, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना जरूरी है कि वो लोग प्रॉफिट मोटिव के साथ उस बिजनेस में आए। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप क्या हो सकता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट,
कभी कभी फॉर एग्जाम्पल चार पार्टनर है एक बिजनेस में, एक पार्टनरशिप में, कोई एक पार्टनर बाकी तीन के बिहाफ पे कहीं पे जाकर कोई एग्रीमेंट कर कर आता है, तो पूरी के पूरे पार्टनर्स पे, जितने भी बाकी के पार्टनर्स है सब पर वो डिसीजन बाइंडिंग है, सबको वो एग्रीमेंट फुलफिल करना पड़ेगा जो वो एग्रीमेंट एक पार्टनर कर कर आ गया है। वो पार्टनर क्या है, बाकी सबके बिहाफ पे काम करके आया है, वो सबका एजेंट की जैसे करके आया, बाकी लोग क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, है ना। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है, एक पार्टनर बाकी के बिहाफ पे डिसीजन लेकर आ जाता है, वो सब पे बाइंडिंग हो जाएगा। बच्चे ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि नहीं नहीं मेरे पार्टनर ने ये एग्रीमेंट किया आपके साथ, मैंने नहीं किया तो मैं नहीं, मैं इससे बाहर हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब एक पार्टनर ने किसी के बिहाफ पे, या अगर उसके पास अथॉरिटी है, उसने सबके बिहाफ पे ही वो डिसीजन लिया, पूरी पार्टनरशिप उसने कब किया, जो एग्रीमेंट किया बाहर जाकर क्या किया है कि हमारा बिजनेस ये है और आपका बिजनेस ये है, हम साथ में मिलकर ये नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो वो उसने जाके बात की है, लेकिन वो पूरी पार्टनरशिप के लिए बाइंडिंग हो गया, पूरे पार्टनर्स के लिए बाइंडिंग हो गया। अब सबको उसके एग्रीमेंट को पूरा करना पड़ेगा, बाकी लोग पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि एक ने डिसीजन ले लिया हम लोग तो इसके फेवर में नहीं है, अब एग्रीमेंट हो चुका है, डील हो चुकी है, अब करना पड़ेगा काम। तो एक तरह से प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उन लोगों के बीच में। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बिजनेस जरूरी नहीं है कि सबके सब लोग बिजनेस में एक्टिव हो, कभी कभी इनएक्टिव मेंबर्स भी होते हैं जो काम वाम नहीं करते हैं, बस प्रॉफिट बंटवाने आ जाते हैं। क्यों, ये लोग बोल देते हैं भाई मैंने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी है, बस अब मेरे से काम वाम नहीं होता, काम तुम देख लो मेरे को बता देना, प्रॉफिट हो जाए मैं साल के आखिर में बंटवाने आ जाओ। मतलब इनएक्टिव मीन टू से कि ये लोग डिसीजंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिजनेस के जो भी डेली डिसीजंस होंगे डिसीजन मेकिंग में कोई एक ले रहा है या कोई दो लोग बिजनेस में डिसीजंस ले रहे हैं, बाकी सब लोगों ने पैसा लगा रखा है, इंटरेस्ट है बिजनेस में उनको, लेकिन वो टाइम नहीं दे रहे हैं बिजनेस को, वो इनएक्टिव है, उनको नहीं मतलब है, वो डिसीजंस में इंटरेस्टेड नहीं है। आप ले लो भाई रोज रोज क्या मतलब, बच्चे तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, हमें आप पे ट्रस्ट है, आपको जो डिसीजंस लेने आप लो, हम आपके साथ हैं, बाद में आके प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। तो ये हो जाता है कि एक बंदा या एक से ज्यादा लोग बाकी सबकी जगह काम कर रहे होते हैं। फिर नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पार्टनरशिप अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकती है, कोई एग्रीमेंट अपने अकेले अपने नाम पे कि पार्टनर्स अलग और पार्टनरशिप अलग है, जैसे कंपनी में होता है ना बच्चे, सेपरेट लीगली एग्जिस्टेंस मिल जाता है कंपनी को, इसका नहीं होता है पार्टनरशिप का। चलिए एग्जाम्पल के लिए समझ लो बच्चे कि कंपनी की जो लाइबिलिटी नहीं, पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटीज है ना बच्चे, वो एसेट से ज्यादा है। ये मान लो क्रेडिटर्स को अब पैसा कहाँ से मिलेगा भाई, कंपनी के ऊपर जो उधारी है वो कंपनी के पास जो प्रॉपर्टी या जितना कैश है जो भी है सबसे ज्यादा उसके पास उधारी ज्यादा है, सारी चीजें बेचकर भी उधारी नहीं चुका सकते, तो बची उधारी कैसे चुकाई जाएगी, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से चुकाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रही हूँ, कल को हमारे ऊपर ज्यादा लोन इतना कर्जा हो गया है तो कल को हमें कर्जा चुकाना पड़ रहा है, तो कैसे चुकाएंगे हम, मुझे अपने खुद की प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ जाएगी तो भी चुकाना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह सकती है तो अरे ये तो बिजनेस की लाइबिलिटी है मेरी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। नहीं नहीं पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, आप ये कह ही नहीं सकते हो कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस की प्रॉब्लम है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। इतना क्लियर हुआ आपको, डिफाइन यहां से डेफिनेशन मिल गई, यहाँ से एलिमेंट्स और फीचर्स जो भी थे पार्टनरशिप के समझ आए। अब हम आगे जाएंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के पास क्या राइट्स हो सकते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीड रेशियो में, डिसाइड कर लेते भाई किस रेशियो में प्रॉफिट बटेंगे, कि बिजनेस में ठीक है प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है लेकिन किस रेशियो में प्रॉफिट बांटने वाले हैं आपस में। तो पार्टनर के राइट क्या होते हैं, प्रॉफिट में हिस्सेदारी, मतलब ऐसा ही थोड़ी मैंने चैरिटी के लिए थोड़ी पैसा लगा रखा है, किसी बिजनेस में लगाया तो मुझे रिटर्न चाहिए ना, तो मुझे प्रॉफिट्स में शेयर चाहिए, तो वो एक रेशियो डिसाइड कर लेते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं तो इक्वल रेशियो मान लिया जाता है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है किस रेशियो में बांटना है प्रॉफिट, तो आप क्या मानोगे कि इक्वल रेशियो है, अगर रेशियो नहीं दे रखा है तो क्या कैसे बटेंगे, इक्वल रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। तो राइट क्या होता है पार्टनर का, प्रॉफिट में शेयर। फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में मुझे भी रोल चाहिए, मुझे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है बिजनेस में, मुझे तो नहीं बैठना घर पे, मुझे तो बिजनेस करना है, तो आप पार्टनर के पास राइट होता है, वो बिजनेस में एक्टिव रोल भी प्ले कर सकता है। फिर इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स जो अकाउंट्स होते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस के, उनको इंस्पेक्ट भी कर सकता है, उनकी एक कॉपी तक ले सकता है।
कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन। कोई नया पार्टनर अगर बिजनेस में लेकर आना है तो मेरा राइट बनता है कि मुझसे भी पूछा जाए, है ना, मेरा भी ओपिनियन लिया जाएगा कि मैं एग्री कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अगर मैं किसी नए पार्टनर की एंट्री पे एग्री नहीं कर रही हूँ तो नया पार्टनर नहीं आ सकता है। हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। कोई एक पार्टनर भी अगर परमिशन नहीं दे रहा है नए पार्टनर के एडमिशन की, तो एडमिशन नहीं होगा। फिर ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ज्वाइंट ओनरशिप पार्टनरशिप की कोई प्रॉपर्टी है बिजनेस की तो वो ज्वाइंट ओनरशिप है, सारे पार्टनर्स उसके ओनर माने जाते हैं। नेक्स्ट, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर दे रखा होगा कि भाई कल को पार्टनर की तरफ से लोन ले लिया बिजनेस ने, है ना, मार्केट में से पैसा उठा लो या पार्टनर के पास से उधार ले लो, बात एक ही है। चलो मार्केट में से पैसा उधार नहीं उठाया, हमने क्या कहा कि भाई इस पार्टनर के पास फालतू पैसा पड़ा है, इससे ले लेते हैं भाई, उधार दे दो बिजनेस को। तो अब उधार दिया है तो उसको ब्याज चाहिए ना बदले में, इंटरेस्ट तो चाहिए, तो इंटरेस्ट एग्रीमेंट में दे रखा होगा या तो कि भाई हम कभी लोन लेंगे तो इतना पैसा देंगे इंटरेस्ट पे, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट दे दो। या फिर अगर एग्रीमेंट में कहीं पे बताया नहीं गया है कि पार्टनर के लोन पर, पार्टनर ने जो बिजनेस को लोन दिया है बच्चे, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, अगर वो नहीं देख के रखा है तो आप क्या मानेंगे कि 6% दिया जाएगा। अगर कहीं पे नहीं बताया है कि कितना लोन दिया, कितना परसेंटेज इंटरेस्ट का दिया जाएगा, लोन के ऊपर कितना रेट मिलेगा, नहीं दे रखा है तो आप 6% दोगे। राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म इफ पार्टनर हैज इनकर्ड लॉस एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मान लीजिए बिजनेस का कोई खर्चा था, फॉर एग्जाम्पल अपन लोग चले गए रजिस्ट्रेशन कराने, मैंने रजिस्ट्रेशन की फीस अपनी जेब से दे दी कि चलो अभी तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, हो जाता है तो आप मुझे पैसे दे दीजिएगा बिजनेस में से। अब हूं तो मैं पार्टनर, लेकिन जो खर्चा था वो अकेले मेरा था क्या, रजिस्ट्रेशन करने, वो क्या था, वो बिजनेस का खर्चा था, तो वो पैसा मुझे वापस मिलेगा, मैं अपनी जेब से थोड़ी रजिस्ट्रेशन का पैसा दूंगी, क्यों दूं मैं, सब पार्टनर्स प्रॉफिट ले रहे हैं तो एक्सपेंसेस अकेले मैं क्यों भुग दूं। तो पार्टनर का राइट है कि उसको उस खर्चे के लिए कंपनसेट किया जाएगा जो उसने बिजनेस के बिहाफ पे कर दिया है, बिजनेस में से पैसा नहीं करके अपनी जेब में से भर दिया, उसके लिए उसको कंपनसेट किए करेंगे, उसको पैसा मिलेगा उसका जो खर्चे उसने अपनी जेब से भर दिए लेकिन थे किसके, बिजनेस के। राइट टू रिटायर, रिटायरमेंट का राइट है, अगर मैं थक गई, मुझे नहीं बिजनेस करना आगे, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं इंटरेस्टेड, एज हो गई है, जो भी वजह है मेरी, तो मैं क्या करूँ, हर पार्टनर को एक नोटिस दे दूँ कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, और उसके बाद वो राइट टू रिटायर मेरे पास होता है कि पार्टनरशिप में से जा भी सकते हैं हम रिटायरमेंट लेकर, लेकिन एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको, मीनिंग क्लियर हो, डेफिनेशन क्लियर हुई पार्टनरशिप की, आपको एलिमेंट्स क्लियर हुए, राइट्स क्लियर हो गए। अब आपने पार्टनरशिप देख लिया, एक पार्टनर होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो आगे देखिए अभी मिलेगा आपको लायबिलिटी, पता है आपको क्लास 11 में पढ़ा है आपने, लिमिटेड लायबिलिटी भी आप समझते होंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले बात, बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, वो नहीं पूछते लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, वो नहीं पूछेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा तो आपसे इसका डिफरेंस पूछ लेगा इन दोनों के बीच का, पार्टनरशिप वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसको इसके मीनिंग में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं कि होता क्या, लेकिन फिर भी आप इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद कर लो, LLP एक्ट 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट क्या है 2008, क्या बोलता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो पार्टनरशिप फॉर्म हुई और रजिस्टर हुई। अब आप कहोगे मैम ये कैसी डेफिनेशन है, ये क्या डेफिनेशन है ना, आपको पता है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, कंपनी एक्ट में क्या बताई गई है, वो कंपनी जो पब्लिक नहीं है, और पब्लिक कंपनी की, वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक कंपनी होती है, ये डेफिनेशन है एक्ट, आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो, ये बनी बनाई है, आपके सामने रखी हुई है, आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, इसमें लॉजिक ढूंढो मत, जब इतने बड़े लोगों ने दे दिया है तो अपना दिमाग खर्च नहीं करो, उन्होंने जो बोल दिया वैसे के वैसे रट लो, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, आपको मीनिंग अच्छा लगे या नहीं लगे, आपको अपनी तरफ से इसमें वर्ड्स नहीं घुसाने हैं, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, ये ऐसे ही याद करनी पड़ती। अब हम देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, पार्टनरशिप भी बहुत सुन लिया और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है।
सबसे पहले तो दोनों के बीच में लो देखो, आपको लो कौन सा होता है, पार्टनरशिप का लो क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एलएलपी का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। दोनों का लो देख लिया आपने, लो याद रख लो। फिर रजिस्ट्रेशन पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन बताओ। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, आप कराओ तो ठीक है, आप नहीं कराओ तो ठीक, कोई जबरदस्ती नहीं है। जबकि एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा तभी एलएलपी बनेगी, वरना एलएलपी नहीं बनेगी। फिर आता है क्रिएशन। क्रिएशन बोले तो कि कैसे क्रिएट होती है पार्टनरशिप, कैसे क्रिएट होती है, एग्रीमेंट से दो लोगों ने बैठे बैठे बातें कर ली कि चलो यार साथ में बिजनेस कर लेते हैं फलाना फलाना, तो इस तरीके से अगर उन्होंने रिटर्न में नहीं भी है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं है, रिटर्न में नहीं रखी है कंडीशन, एग्रीमेंट भी रिटर्न में नहीं है, तो भी मतलब बोलकर भी पार्टनरशिप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कागज कार्रवाई पूरी करो, ना ना ना, आप बिना पेपर वर्क के भी पार्टनरशिप कर सकते हो। जबकि एलएलपी क्या बोलता है, क्रिएटेड बाय लॉ, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, सोचो तो इसका, और आपको लॉ क्रिएट कराता है, लॉ के थ्रू ही ये क्रिएट होती है, आप एग्रीमेंट के बेसिस पे क्रिएट नहीं कर सकते, चलते चलते बात हो गई, बिजनेस स्टार्ट कर लिया और हो गई पार्टनरशिप, नहीं, आपको ये प्रॉपर रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा इसका एक प्रोसेस होता है, वो सब करना पड़ता है, ये लॉस की वजह से क्रिएट होती है, एग्रीमेंट के बेसिस पे क्रिएट नहीं कर सकते आप। फिर सेपरेट लीगल इंटाइटिटी, सेपरेट लीगल इंटाइटिटी का मतलब पता होना चाहिए पहले तो बच्चे, क्या होता है कि बिजनेस नहीं, बिजनेस और उसको चलाने वाले की आइडेंटिटी अलग अलग है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ये बोलता है। तो पार्टनरशिप में कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। आप कंपनी याद है बच्चे, कंपनी में क्या होता है, कंपनी अगर आपको याद हो तो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस होता है, ये आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ कंपनी होता है, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, खुद पर केस ले सकती है, एक अलग तरीके से मतलब लोगों ने एक आदमी ही क्रिएट कर दिया, आप ये समझो कि इंसान ही है बस, लिविंग थिंग है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है ये, अपनी अलग आइडेंटिटी अलग पहचान है इसकी, अपना अलग सिग्नेचर होता है, अपने अलग डिसीजंस लेते हैं, लाइफ अगर कोई कोई घाटा हो गया तो कंपनी का हो गया, कंपनी के ओनर शेयर होल्डर वगैरह का कोई घाटा नहीं होता, जो घाटा कंपनी का है, समझे आप। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कल को अगर पार्टनरशिप में घाटा हो गया है, इतना हो गया कि पार्टनरशिप के बिजनेस की जो प्रॉपर्टी थी वो बेचकर भी पूरा नहीं हो रहा है बच्चे, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी तक को लगा दिया जाएगा, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेची जाएगी उस घाटे को पूरा करने के लिए। आप नहीं कह सकते हो कि ये तो बिजनेस का घाटा है मैं क्यों दूं, देना पड़ेगा। फिर एलएलपी में क्या होता है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी दांव पर नहीं लगती है। फिर परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है बच्चे, कि मान लीजिए कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, तो क्या पार्टनरशिप चलती रहती है, नहीं। कंपनी का क्या होता है ना बच्चे, कि ओनर्स शेयर होल्डर्स आते हैं, मेंबर्स आते हैं चले जाते हैं, नए मेंबर्स आते हैं पुराने चले जाते हैं, कोई छोड़ रहा आ रहा छोड़ रहा आ रहा, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी फिर भी वहीं पे है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। एक बार जो क्रिएट हो गई ना, लॉ के थ्रू ही खत्म कर सकते हो आप उसे, मरती वरती नहीं है वो, जबकि पार्टनरशिप मर जाती है, कहने का मतलब इतना सही है, पार्टनरशिप मर जाएगी, कोई अगर पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप भी मर जाएगी, फिर पार्टनरशिप मर जाएगी, ऐसा नहीं है कि अगर पार्टनर मर गया तो भाई पार्टनरशिप चलती रहेगी, नहीं चलेगी, दो पार्टनर से एक मर गया कैसे चलेगी, तो कोई सेपरेटली नहीं, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है इसका, जबकि एलएलपी का होता है, मेंबर्स जो पार्टनर्स होते हैं अगर मर भी जा रहे हैं उसके बाद भी कंटिन्यू रहते हैं, क्यों, इसको क्रिएट किसने किया है बच्चे, देखो लो ने क्रिएट किया था इसको, इसको क्रिएट किसने किया था, लो ने, एग्रीमेंट पे नहीं है इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, इसीलिए इसका परपेचुअल सक्सेशन है, ये मर नहीं सकती एलएलपी, इसे सिर्फ कानून से मारा जा सकता है। अच्छा उसके बाद देखो बच्चे, ओनरशिप ऑफ एसेट्स, बिजनेस की जो एसेट्स होंगी प्रॉपर्टी होगी उसका क्या, पार्टनर्स ओन द एसेट्स ऑफ द फर्म, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी ना बिजनेस की उसके मालिक कौन होंगे, ओनर्स कौन होंगे, पार्टनर्स होंगे, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है,
पार्टनर्स उसके ओनर्स होते हैं। पार्टनरशिप अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं रखती, पार्टनर्स के नाम पर हो जाती है सब कुछ, जबकि एलएलपी कैन ओन ओन इट्स नेम। अच्छा ठीक है, एलएलपी में क्या होता है ना, एसेट्स ओन इट्स ओन नेम। जैसे कंपनी में नहीं होते बच्चे, कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी रख सकती है, वैसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी अपने नाम पर प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, वो पार्टनर्स की ओनरशिप नहीं है। प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस की है, पार्टनर्स की नहीं है, इसकी सेपरेट आइडेंटिटी है। फिर लाइबिलिटी, बार बार लाइबिलिटी की बात हो रही है ना, ये देखिए आ गया, ये लास्ट वाला लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है, अगर घाटा बड़ा है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर वसूल कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर एलएलपी की बात करोगे बच्चे, तो एलएलपी क्या बोलता है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट, लिमिटेड टू द एक्सटेंट, ये नीचे वाला लाइन, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना भी पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया होगा ना कैपिटल के एक्सटेंट तक, कि भाई मेरी कैपिटल 10 लाख है, कल को बिजनेस को घाटा होता है तो 10 लाख तक का ही घाटा भरने वाले हैं हम, मेरे से नहीं ले सकते आप एक्स्ट्रा, मेरी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते बिजनेस का घाटा और जो भी लॉस हुआ है वो भुगतने के लिए, आप मेरी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, मैंने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा, जितना कैपिटल लगाया उतना ही ले सकते हो मेरे से, बस उससे ज्यादा का घाटा मेरा नहीं है फिर। तो एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच का ये डिफरेंस था, मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ आया हो। अब हम आगे देख रहे हैं, बार बार बात हो रही है पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप डीड से आप मतलब समझ लो बच्चे, एग्रीमेंट बात हो रही। एक और बात, इसको एक और नाम से जाना जाता है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, डीड अ रिटन एग्रीमेंट, रिटन में जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच का, जिसके अंदर क्या क्या होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स ने जो टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड की होंगी ना, वो इसके अंदर होंगी रिटर्न में। लेके रिटर्न में क्या क्या हो सकता है इसके अंदर बच्चे, ध्यान से देखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नेम और एड्रेस, एड्रेस किसका, ऑफिस का एड्रेस होगा, और पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस, पार्टनर्स उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ रिटर्न में होगा। डिड जो होती है पार्टनरशिप डिड, वो रिटर्न एग्रीमेंट होती है, उसके अंदर सब होगा, ये नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस, बिजनेस क्या होगा, और फिर ड्यूरेशन, कितने वक्त तक पार्टनरशिप चलेगी, किस पार्टनर की कितनी कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कैसे होंगी और अगर होंगी तो उनपे इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में हम प्रॉफिट बांटने वाले हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, है ना, फिर सैलरी कमीशन अगर किसी पार्टनर को मिलनी होगी तो कितनी मिलेगी, फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल एंड एसेट्स, फिर यही सब अकाउंटिंग एंड ये सब 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 होगा उसके अंदर, रिवैल्यूएशन ये सब, मतलब इसके अलावा भी हो सकता है, पार्टनर्स को लगता है कि ये पॉइंट इसमें डलने चाहिए, वो अपने हिसाब से और भी पॉइंट इसमें एड ऑन कर सकते हैं। कहने का मतलब है सारी की सारी टर्म्स और कंडीशंस जो भी होंगी पार्टनरशिप की, सब कुछ रिटर्न में होंगी इस एग्रीमेंट के अंदर, और इसीलिए इसे पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, और एक और नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आपको समझ आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, चाहिए क्यों पार्टनरशिप डीड, क्या काम है इसका, और नहीं होगी तो क्या काम नहीं बनेगा, क्या जरूरत है इसकी। तो देखो क्यों चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही बताता है कौन से पार्टनर के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज है और क्या कितनी लाइबिलिटीज है, ये सब कौन बताएगा, पार्टनरशिप डीड बताएगा। कल को कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, चलिए कोई कंफ्यूजन हो जाता है बिजनेस को लेकर, तो कहाँ से दूर किया जा सकता है पार्टनरशिप डीड के, क्योंकि इसमें तो सब कुछ रिटर्न में है ना। कल को चलिए मैं पार्टनर हूं बिजनेस में, मैंने आपके साथ पार्टनरशिप की बिजनेस की, अब मैंने आप बिजनेस को कितना, बिजनेस को जरूरत थी लोन की, तो मैंने दे दिया अपनी तरफ से 10 लाख का लोन। अब बात हुई थी हमारे पास 8% लोन दिया पे इंटरेस्ट देंगे हम लोग, अरे वो चीजें रिटर्न में भी हैं, अब एग्रीमेंट पे मेरा भी साइन है, लेकिन मैं बार बार बोलूंगी नहीं भाई मुझे तो 10% चाहिए, बात 10% की हुई थी तो झूठ है। आप क्या बोलोगे, झूठ नहीं है मैडम, आपने ये पार्टनरशिप डीड साइन कर रखी है और इसके अंदर 8% है, आप कैसे पलट सकते हो अपनी बात से, तो मुझे क्या एग्री, मुझे 8% पे एग्री करना पड़ जाएगा। अगर ये रिटर्न में नहीं होता बच्चे, ये नहीं होता मान लीजिए, तो क्या करते, बहस होती, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, आखिर में पार्टनरशिप ही खत्म हो जाती लड़ाई झगड़े में। तो पार्टनरशिप डीड ये लड़ाई झगड़े खत्म करने में हेल्प करती है, सब कुछ तो रिटर्न में होता है, कोई जरूरत ही नहीं है लड़ने की, क्यों लड़ेंगे 8% 10% पे, जब उसमें लिखा हुआ और एग्री किया था हमने, साइन कर रखे, हम कैसे पलट जाएंगे। दूसरी बात, एक रिटर्न रिकॉर्ड हो जाता है हर चीज का, आप ओरली अगर सब कुछ बात की, आपने पूरा एग्रीमेंट ओरली कर लिया,
कल को भूल जाओगे, ह्यूमन मेमोरी कितना कितना रिटेन कर पाओगे, कितना कैपेसिटी, किसी ना किसी पॉइंट पे आप नहीं तो कोई पार्टनर भूल जाएगा आपका, फिर वही कंफ्लिक्ट, लड़ाई, बहस, बिजनेस को नुकसान होगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो रिटर्न रिकॉर्ड हो जाता है एक तरह से कि ये सब चीजें रिटर्न में है हमारे पास, और रिटर्न में होने के बाद कोई पलट नहीं सकता। तो इन शॉर्ट क्यों रखा जाता है, पार्टनरशिप डीड एग्री, जो पार्टनरशिप डीड है नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है पार्टनरशिप डीड होना, बट यूजफुल। पार्टनरशिप डीड बनाना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर है तो यूजफुल है, बट यूजफुल, हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्लिक्ट। ये वाली लाइन हमेशा याद रखनी, बार बार ही आ जाती है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्प्स टू अवॉइड ये वाली कंफ्लिक्ट, एक तो ये बचे और दूसरी ये लाइन, नॉट कंपल्सरी बट यूजफुल, जरूरी नहीं है लेकिन यूजफुल है, रखोगे तो अच्छी बात है, काम आए, फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा। अब आगे चलो, मान लीजिए कि आपने जो पार्टनरशिप डीड है वो बनाई ही नहीं, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, या फिर कोई इनमें से कोई एक आइटम के बारे में बात हुई नहीं, तो कैसे कैसे चलेंगे? कुछ रूल्स दे रखे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप में कोई एक आइटम ऐसा है जिसके बारे में कोई चीज, जिसको आप भूल गए, ओमिट कर दिए, याद ही नहीं रहा, यार इस पे भी तो रूल बनाना था, इस पे भी तो बात करनी थी, तो क्या करेंगे, इन रूल्स में से अप्लाई किया जाएगा। फिर फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, है ना, एग्रीमेंट में हुई नहीं, बातचीत है ही नहीं, भाई पार्टनरशिप में शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बटेंगे प्रॉफिट, अगर नहीं दे रखा है तो कैसे बांटोगे, इक्वल बांटोगे आप अगर नहीं दे रखा है तो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं दे रखा है तो आप क्या बनोगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दे रखा है तो नो इंटरेस्ट। सैलरी और कमीशन अगर नहीं बताया है देना है कि नहीं देना है तो नहीं देना है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दे दिया बिजनेस को तो इंटरेस्ट कितना, और उसमें बताया नहीं कि कितना इंटरेस्ट देना, तो कितना दोगे, 6% पर एनम। ठीक है, ये रूल्स, या तो अगर जैसे कि बाकी सारी चीजों पे बात होगी, भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया तो इक्वल मान लो, अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डिड में ये सब चीजें नहीं बताई गई हैं तो इनका कुछ रूल होता है, अगर कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे, सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी किसी को भी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डिड नहीं बनाई है तो ये सारे प्रोविजन अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर पार्टनरशिप डिड में किसी एक पॉइंट पर आपने बात नहीं किया तो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात नहीं की है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है लेकिन दो चार पॉइंट छोड़ दिए, तो वो दो चार पॉइंट यहाँ पे अगर दे रखे हैं तो ये वाले अप्लाई करेंगे फिर आप। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चे, याद कर लीजिए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो आपको इक्वल बांट देना है, कोई मतलब नहीं है किसने कितना कैपिटल लगाया हुआ है, सब में बराबर बटेगा प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेंगे, सैलरी कमीशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, बस। पार्टनर ने इंटरेस्ट, जो पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलेगा लोन पर, जो लोन उसने बिजनेस को दे रखा है उस पर 6% पर एनम, बस। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे अभी आपने कितना पढ़ा है, 11th क्लास तक आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिया, P&L पढ़ लिया, बैलेंस शीट वगैरह पढ़ लिया। P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये नई चीज क्यों बनाते हैं भाई, और ये कहाँ से आ गई है, क्या बताता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये अब याद हो गया क्यों बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स ओनली, जहां पे पार्टनरशिप बिजनेस होता है वहां पे P&L अप्रोप्रिएशन बनता है और कहीं नहीं बनता है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल मतलब क्या होता है बच्चे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है, डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम, ये होता है। इसका मतलब डेबिट साइड में क्या दे रखे हैं, एक्सपेंसेस है। P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखो नीचे, ये सारे एक्सपेंसेस है बच्चे, और जो क्रेडिट साइड में दे रखे हैं ये सब क्या है बच्चे, ये इनकम है।
ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड में इनकम है, क्योंकि इसका क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो P&L अप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, आपको इतना समझ आया? इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में P&L अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे आप। और ये किस लिए बनाया जाता है, कि पार्टनर्स के बीच में कैसे प्रॉफिट डिवाइड किया जा रहा है वो दिखाने के लिए। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते थे, बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ वो देखने के लिए। अब हर पार्टनर को कितना मिलेगा वो दिखाने के लिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको समझ आया? अब देखिए एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं इसमें डेबिट में लिखे हैं जो हमने, वो देखो बच्चे जरा एक बार। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए क्या हो गया, डेबिट है। क्यों, बिजनेस को नुकसान हो गया ना, बिजनेस को देना पड़ रहा है। तो P&L कैसे एंट्री कैसी होगी इसकी बच्चे, पहली एंट्री कैसे होगी? अच्छा चलिए आपको एंट्रीज करना सिखाते हैं। पहली एंट्री कैसे होगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, P&L के डेबिट साइड में लिखा हुआ है ये एंट्री, तो P&L को डेबिट कर दो। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर है पार्टनर सैलरी, बिजनेस के लिए नुकसान है तो कैसे दिखाएंगे इसको, P&L को डेबिट करेंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर को सैलरी देना पड़ रहा है तो बिजनेस के लिए तो खर्चा ही हो गया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज को देखो, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को कमीशन दे दिया आपने, पार्टनर के लिए तो प्रॉफिट है ठीक है, बिजनेस के लिए लॉस हो गया। फिर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा ना वो पार्टनर्स के कैपिटल या फिर उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ये बैलेंस होता है। सारे खर्चे प्रॉफिट में से निकालने के बाद, पार्टनरशिप के जो खर्चे हैं वो निकालने के बाद, बिजनेस के खर्चे तो आपने P&L में कर दिए, यहाँ पे कौन से खर्चे और इनकम हो रही है, पार्टनरशिप के खर्चे या पार्टनरशिप की इनकम। P&L अकाउंट, ये जो बैलेंस आप P&L से लेकर आए थे ना वो वाला बैलेंस, जो P&L से जो प्रॉफिट आया वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, पार्टनर ने जो पैसा बिजनेस में से निकाला होगा ना, ऐसे अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट जो पैसा निकाला होगा, कैपिटल में से पैसा निकालते हैं ना बच्चे वो अलग होता है, ये नॉर्मल जो पैसे प्रॉफिट में से जो ऐसा पैसा निकाला गया है उस ड्रॉइंग में जो इंटरेस्ट लगेगा वो बिजनेस के लिए इनकम है, बिजनेस को तो पैसा मिलेगा ना ये, तो इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया गया है यहाँ पे। आपको समझ आया? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बिजनेस को कोई खर्चा हो रहा होगा वो डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा, और बिजनेस को कोई इनकम हो रही होगी तो क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। अब मैं अगर आपको एंट्री समझाना शुरू करूं बच्चे, ये जो एंट्री है अगर इसको थोड़ा और ढंग से देखा जाए तो कैसे बनेगा, देखिए एंट्री क्या बनती, पहली एंट्री क्या होती, हमें इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिखाओगे पहले आप, तो कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो खर्चा हो गया, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा इधर लिखेंगे, एक एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री। अब ये पैसा P&L अप्रोप्रिएशन से दे दो, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कैसे हुआ ये? पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए हमने, क्या किया, क्रेडिट कर दिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। पार्टनर्स के लिए तो फायदा है ना, उनका तो इंक्रीज हो रहा है अमाउंट, उनका तो बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ना, तो उनके अकाउंट क्रेडिट हो गए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस के लिए खर्चा है, तो खर्चा क्या रहता है, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। लेकिन ये खर्चा कहाँ से जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से खर्चा जाएगा। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे क्या किया हमने, यहां से पैसा दे दिया, ठीक है बच्चे। तो एंट्रीज ऐसे हो, आप समझ रहे हो, ये फॉर्मेट याद कर लेना है बस, आपके लिए सब इजी हो जाएगा। जो डेबिट है उन खर्चों को डेबिट कर दो, पी एंड एल को डेबिट करके इन सब खर्चों को लिख दो। आपको मैंने जर्नल एंट्रीज की क्लास ली थी जिसमें मैंने एंट्रीज करना भी सिखाया था और उन एंट्रीज से कैसे हम अकाउंट्स तक जाते हैं वो भी सिखाया था। टी फॉर्मेट जो अकाउंट बन रहा है, डेबिट वाले खर्चों को अकाउंट, जिस अकाउंट को डेबिट किया है उसके डेबिट साइड में लिख दो जो भी खर्चे हैं, यहाँ पे नॉमिनल है ना। चलिए अब चलते आगे। ऐसे ही बिजनेस के लिए इनकम थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे क्या एंट्री रही होगी बच्चे, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। ड्रॉइंग बाय नहीं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, बिजनेस में आया है ना डेबिट वोट काउंट से, तो बिजनेस को तो मिल गया पैसा, पी एंड एल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इतना याद रखिएगा, जितने भी बिजनेस के लिए जो खर्चे हो गए ना, बिजनेस के पास से जो पैसा जा रहा है ना उसको इधर लिख दो, ये सब बिजनेस के पास से जा रहा है, और बिजनेस के पास कुछ आया है वो इधर लिख देना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट। ये शॉर्ट ट्रिक है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बिजनेस के पास से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, बिजनेस के पास से पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बिजनेस को, जो भी बिजनेस के पास से जा रहा है वो डेबिट साइड में। पार्टनर को सैलरी दे दिया, बिजनेस के पास से गया, पार्टनर को कमीशन दिया, बिजनेस के पास से गया, बचा हुआ पैसा इस प्रॉफिट में से ये निकाल के बैलेंस प्रॉफिट जो पार्टनर्स को दिया वो भी इधर, अगर कोई प्रॉफिट पी एंड एल में से जो प्रॉफिट आया था वो तो इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, ये तो पैसा बिजनेस को मिलेगा तो इसको क्रेडिट लिख दो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ रहा है तो इधर लिखना क्रेडिट साइड में, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट घट रहा है तो इधर लिख देना। अब आगे चलो, दो टर्म्स आ गई आपके पास, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है बच्चे। तो देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, अगर कोई आइटम जैसे बता दिया, कोई ट्रांजेक्शन, कोई भी एंट्री से रिलेटेड कि भाई आपको फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कमीशन, चलिए कमीशन मान लीजिए, कमीशन पे करना है किसी को और वो कमीशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो बिजनेस कमीशन देना था आपको 50,000, बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है 10,000, तो बिजनेस क्या दिखाएगा कि भाई मेरे को 40,000 का लॉस हो गया, क्यों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बिजनेस के पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, 50,000 पूरे देने पड़ेंगे आपको, किसी भी हाल में 50,000 पूरे देने पड़ेंगे। जबकि अप्रोप्रिएशन क्या कहता है, कमीशन 50,000 है, प्रॉफिट 10,000 हुआ, तो कितना दोगे कमीशन, कमीशन भी 10,000 ही दोगे, जितना प्रॉफिट है उतना ही दोगे, लॉस में नहीं जाएगा बिजनेस किसी को कमीशन देने के लिए, क्यों, क्योंकि अप्रोप्रिएशन है आउट ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, आपके पास प्रॉफिट है लॉस में हो तब भी देना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, चार्ज में आपको देना ही पड़ेगा, कंपल्सन हो जाता है, कंपल्सन सर देना ही पड़ेगा, बात हो रखी है, तो आपके पास पैसा है या नहीं है, लॉस में जाओ कहीं भी जाओ आपको पैसा देना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, होगा तो देंगे, अप्रोप्रिएशन क्या बोलता है, होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे,
समझ आया? अब देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या बोलता है, एक हो गया था, सेकंड लाइन क्या थी, रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट। जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा पी एंड एल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करोगे आप। चार्जेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पर, पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है बिजनेस को, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ना बच्चे, वो चार्ज होता है, वो आपको देना ही पड़ेगा उसको। आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपको पार्टनर के, पार्टनर ने जो लोन दिया बिजनेस को, उस पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, वो चार्ज है। वो कहाँ ट्रीट किया जाता है? पी एंड एल अकाउंट में उसका रिकॉर्डिंग होता है। चार्ज के रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती है पी एंड एल अकाउंट में की जाती है। बिजनेस को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देना ही पड़ेगा आपको। जबकि एप्रोप्रिएशन, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स रिकॉर्डेड इन पी एंड एल। ये जो एंट्रीज होती है पी एंड एल में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? चार्ज नहीं होता है, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा दे देंगे, बस पूरा भी नहीं देंगे। तो बात यह है, बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा, प्रॉफिट है तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। क्लियर हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में दोनों के बीच का ना डिफरेंस देखो, पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने देख लिया है। हमने अभी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लिया है, फॉर्मेट देख लिया। पी एंड एल अकाउंट आप 11 क्लास में पढ़कर आए हो। तो क्या होता है पी एंड एल अकाउंट? कब बनता है? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर पी एंड एल अकाउंट बनता है। और क्या लेकर आते हैं? ग्रोस प्रॉफिट होता है ना ट्रेडिंग अकाउंट का, वो पी एंड एल अकाउंट ऐसे बनता है ना। तब यहाँ पे हम ग्रोस प्रॉफिट नहीं लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, और यहाँ सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं डेबिट साइड पे। तो ये फॉर्मेट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रोस प्रॉफिट पी एंड एल में आता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कब बनता है? पी एंड एल अकाउंट के बाद बनता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट कहाँ आता है? नेट प्रॉफिट कहाँ आता है बच्चे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रोस प्रॉफिट पी एंड एल में जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है, फिर पी एंड एल अकाउंट बनता है। पी एंड एल का अप्रोप्रिएशन कब बनता है? पहले पी एंड एल बनेगा, फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब फॉर्मेट देख लो, पहले क्या बनेगा? ट्रेडिंग, फिर बनेगा पी एंड एल, फिर बनेगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। बस इतनी सी बात है। पी एंड एल अकाउंट क्यों बनता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अभी तो बताया था, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पी एंड एल अकाउंट नोट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन है ना वो चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है बिजनेस को, उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो पी एंड एल में रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा कोई मतलब नहीं है, पी एंड एल को पार्टनरशिप से कोई मतलब नहीं है। इसका काम है बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस निकालना है, इसको पार्टनरशिप के लॉस और प्रॉफिट से मतलब नहीं होती है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्यों बनती है? पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है ना उसकी वजह से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। उसमें हमने बताया होगा ना प्रॉफिट कैसे बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ग्रोइंग वगैरह, इसलिए इसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को बनाना पड़ता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एग्रीमेंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है पार्टनरशिप के लिए, पी एंड एल अकाउंट बनता है बिजनेस के लिए। पी एंड एल अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है। इस साल के एक्सपेंसेस इसी साल के इनकम के अगेंस्ट सेटल किए जाएंगे। इस साल के एक्सपेंसेस इसी साल की इनकम रिकॉर्ड की जाएगी, मैच करते हैं कि इस साल की इनकम जनरेट करने के लिए इस साल के जो एक्सपेंसेस हुए उन्हीं के अगेंस्ट रिकॉर्ड करना है। जबकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वैसा नहीं है, है ना। हम क्या करते हैं, हम चार्ज तो मानते ही नहीं है, चार्ज नहीं मानते हम। अप्रोप्रिएशन की प्रॉफिट होता है तो दे देते हैं। आपने भाई, आपने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है, आपको इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना, आपने इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर जो लगता है। लेकिन क्या बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे, मतलब मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। भाई इस साल का जो प्रॉफिट हुआ है पार्टनर्स ने पैसा लगाया था तब ना हुआ है, आपको पार्टनर्स के पैसे पे इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो आप? लेकिन नहीं दिया जाता है। तो पी एंड एल में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। अब देखिए, पी एंड एल अकाउंट का एक्सपेंसिस क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट रहे ना रहे कंपल्सन होता है ये एक्सपेंसिस को, कंपल्सन इन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना। बिजनेस को लॉस हो रहा है तब भी ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, डेबिट किए जाएंगे। क्लियर हुआ आपको?
अब देखिए P&L अप्रोप्रिएशन में एक्सपेंसेस क्या होता है, अप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट होता है तो हम देते हैं, प्रॉफिट नहीं होता है तो नहीं देते हैं, ये खर्चे रिकॉर्ड नहीं करते हैं अगर प्रॉफिट नहीं है बिजनेस के पास। एग्जाम्पल P&L का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है बिजनेस को, ऊपर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होता है, वो P&L में होता है उसकी एंट्री। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ पे देखिए ये P&L अप्रोप्रिएशन में होता है, बिजनेस के पास प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट। बच्चे जो कैपिटल अकाउंट होता है ना पार्टनर का, वो दो टाइप का होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है, ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करता है। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच की सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर और पार्टनरशिप के बीच की सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है कौन, कैपिटल अकाउंट। दो तरीके से करता है, कैसे करता है, एक तो होती है बच्चे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट, इतना याद रख लो। आपको क्वेश्चन में दे देते हैं कभी कि फिक्स्ड कैपिटल है, तो अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो मतलब दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है तो फिर एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बस करंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक बना दिया आपने करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल घट रही है कैपिटल बढ़ रही है वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करोगे कैपिटल अकाउंट, बाकी जितनी भी होंगी सैलरी कमीशन है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, कैपिटल में से ड्रॉइंग की बात नहीं हुई, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होगा। तो ऐसे करके जो भी होंगी बाकी सारी ट्रांजेक्शन वो करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड अकाउंट की, फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है, कैपिटल अकाउंट को तभी छूना है जब कैपिटल घटे घटे या बढ़े, फिक्स्ड कैपिटल रहेगी, कैपिटल चेंज नहीं होगी हर एंट्री की वजह से, एरी गैरी एंट्री की वजह से कैपिटल चेंज नहीं होती है। कैपिटल तो आप पैसा बिजनेस में कैपिटल का लेकर आओगे तो बढ़ेगी, कैपिटल लेकर जाओगे तो घट जाएगी, बाकी सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में करोगे, जितने भी छोटी मोटी ट्रांजेक्शन होगी ना सारी करंट अकाउंट में, बात बात पे कैपिटल अकाउंट को घटाना बढ़ाना नहीं है कि इंटरेस्ट आया तो बढ़ गया, इंटरेस्ट गया तो घट गया, सैलरी मिल रही है तो बढ़ रहा है, कमीशन मिल रहा है तो बढ़ रहा है, ये सब नहीं होता, ये सब करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो, ये तो रोज का खर्चा है, कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीजों से। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो एक ही में रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल आ रही है कैपिटल जा रही है या फिर ये करंट अकाउंट वाले, सारी ट्रांजेक्शन को एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं कौन, फ्लक्चुएटिंग, नाम ही फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल बात बात पे फ्लक्चुएट कर जाएगी, सैलरी कमीशन जैसी चीजों की वजह से भी फ्लक्चुएट कर जाएगी, जबकि फिक्स्ड कैपिटल क्या कहती है, बात बात पे नहीं बदल रहे हम, बाकी छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो हम फिक्स्ड रहेंगे, ये फिक्स्ड रहते हैं फिक्स्ड कैपिटल वाले, ये बात बात पे नहीं बदलेंगे। चलिए देख लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स एट द बिगिनिंग इज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, हमेशा फिक्स्ड रहती है कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, बस कब कब चेंज होती है, एडिशनल कैपिटल लेकर आओ आप या तो, या फिर परमानेंट विड्रॉल, आप कैपिटल में से हमेशा के लिए कुछ पैसा निकाल लो। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, किस पे इंपैक्ट पड़ेगा इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पड़ेगा। भाई पैसा अपनी कैपिटल में से पैसा निकालोगे तो आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट कम मिलेगा, ठीक है। दूसरी टर्म थी, एक और टर्म होती है ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स में से थोड़ा बहुत पैसा निकाल लिया पार्टनर ने, छोटी मोटी बात है, उस पे क्या ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बिजनेस क्या ले लेगा उस पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल घटेगी बढ़ेगी नहीं, इससे कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, ए सेपरेट अकाउंट नोन एज करंट अकाउंट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड अदर ट्रांजेक्शन। बाकी जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ना कैपिटल के अलावा, उन सबको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? फिक्स कैपिटल मेथड की बात हो रही है, उन सबको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो, कह दो हाँ टुच्ची मुच्ची ट्रांजेक्शन के लिए बदली नहीं हो रहे, बाकी सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो, हम सिर्फ कैपिटल वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट में। इतना समझ आया आपको? अब आगे देखिए, ये देखिए फिक्स्ड कैपिटल में ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये देखिए ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये फिक्स की बात हो रही है। पार्टनर की जब फिक्स्ड कैपिटल होती है दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, जो पैसा उसने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में, जो पैसा आ रखा है कैपिटल का वो, अब मान लीजिए उसने और कैपिटल लगा दिया, एडिशनल कैपिटल, या इसको किस नाम से जानते हैं, फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ले आया बैंक के नाम से, तो कैपिटल बढ़ गई। फिर उसने कुछ पैसा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, कुछ पैसा निकाल लिया, तो किस नाम से निकाल लिया, टू बैंक अकाउंट के नाम से, तो कैपिटल घट गई। और ये जो बैलेंस निकल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस होगा, अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा, इतनी उसकी कैपिटल है। बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे ना बच्चे, ये बैलेंस बीडी पिछले साल के करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो, क्रेडिट में, करंट अकाउंट के क्रेडिट में जितनी भी इनकम है और जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट में, क्या क्या, ड्रॉइंग, जो पैसा उसने आउट ऑफ प्रॉफिट निकाला होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इस पैसे के ऊपर ड्रॉइंग जो इंटरेस्ट लगेगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन करंट अकाउंट के डेबिट में कब आएगा, जब लॉस हुआ होगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कब आएगा डेबिट साइड में, जब लॉस हुआ होगा, फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड, नाम ही है जिसका, फ्लक्चुएटिंग नाम हो गया वो क्या ही होगा, कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर्स फ्लक्चुएट कॉन्टिन्यूसली, पूरा बार बार फ्लक्चुएट होता है कैपिटल अकाउंट, नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं होता है कैपिटल अकाउंट, नो सेपरेट अकाउंट, नो सेपरेट अकाउंट, नो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं खोला जाएगा फ्लक्चुएटिंग में। अगर क्वेश्चन में एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन बताया नहीं है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो आप क्या मानेंगे, कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। क्वेश्चन में नहीं बताया है तो आप क्या मानेंगे कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, क्वेश्चन में नहीं बताया है तो आप अज्यूम करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल। अब देखिए फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस बीडी ये है कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर लेकर आए तो ये बढ़ गई, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, कैपिटल घट रही है तो डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बढ़ गई, सैलरी पार्टनर को कैपिटल बढ़ गई, कमीशन पार्टनर को कैपिटल बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया पीएनएल में तो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो कैपिटल बढ़ गई है। ठीक है, अब डेबिट साइड देखो बच्चे, अगर कैपिटल में से पैसा निकाल लिया है तो डेबिट कर दे, ड्रॉइंग अकाउंट ये कौन सा है, आउट ऑफ प्रॉफिट जो ड्रॉइंग हुई है, आउट ऑफ प्रॉफिट जो ड्रॉइंग होगी, और इसी आउट ऑफ प्रॉफिट वाले पे इंटरेस्ट भी लगा दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन सा, आउट ऑफ प्रॉफिट जो पैसा निकाला था, कैपिटल में से नहीं, कैपिटल में से जो पैसा निकालते हैं उससे तो कैपिटल के इंटरेस्ट पे फर्क पड़ता है, आउट ऑफ प्रॉफिट जो ड्रॉइंग करते हो ना बच्चे उससे फर्क पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे। अगर पी एंड और ऐसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लॉस हो गया तो डेबिट साइड में, मतलब कोई भी नुकसान वाली चीज है ना, लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो किधर लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे। कोई भी इनकम है, प्रॉफिट है, तो कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस और देख लो क्या होता है बच्चे, पी एंड एल नहीं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जहां होता है वहां दो अकाउंट बनते हैं, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है कैपिटल अकाउंट, इसमें आ जाती है सारी ट्रांजेक्शन। फिक्स कैपिटल में बैलेंस क्या होता है, कैपिटल रिमेन्स अनअल्टर्ड कैपिटल अकाउंट का, लगभग तो चेंज होता ही नहीं है ना, हमेशा थोड़ी है कि हर महीने आप अलग कैपिटल लेकर आ रहे हो, हर महीने कैपिटल निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो कैपिटल अकाउंट लगभग फिक्स्ड ही रहता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बार बार फ्लक्चुएट करता है, हर एक ट्रांजेक्शन पे फ्लक्चुएट कर जाता है, एडजस्टमेंट्स
जो भी अलग से जो एंट्रीज होती है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरीज वगैरह, वो सब कहाँ होंगी? करंट अकाउंट में होंगी। जबकि क्या फिर फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा? सारी की सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में ही हो जाएगी। बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? बोथ कैपिटल करंट अकाउंट दोनों को, कैपिटल करंट अकाउंट दोनों कहाँ दिखाए जाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ही बनता है, तो कैपिटल अकाउंट ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, करंट अकाउंट तो होता ही नहीं इनके पास। फिर स्पेसिफिक मेंशन, पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ता है कि कैपिटल फिक्स्ड है। अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल रखनी है, करंट अकाउंट मेंशन बनाना है, तो आपको पार्टनरशिप डीड में ये चीज दिखान बोलनी पड़ेगी, पहले से लिखी होनी चाहिए कि कैपिटल फिक्स्ड है। अगर नहीं लिखी हुई है तो आप क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग है। क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग है। क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, हमेशा, कभी भी डेबिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉस वगैरह तो है ही नहीं ना। कैपिटल के आने या कैपिटल के जाने पे फर्क पड़ रहा है, तो फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। फ्लक्चुएटिंग का डेबिट हो सकता है, कब हो सकता है? जब पार्टनर को लॉस, पार्टनर के पास इतने लॉस है, इतने एक्सपेंसेस हो गए हैं कि उसके कैपिटल ऑलमोस्ट जीरो है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, फिर नेगेटिव बैलेंस हो सकता है फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट। हर एक ट्रांजेक्शन पे तो फ्लक्चुएट कर जा रहा है भाई, कैसे नहीं जाएगा नेगेटिव में, चला जाएगा। फिर प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए सिर्फ प्रोविजंस देख लो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डिड में साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डिड में बताया ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है। क्वेश्चन में दे देंगे कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे। इंटरेस्ट भी बता देंगे कि इतना इंटरेस्ट लगा लिया, लेकिन पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। साइलेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी मर्जी से कितना लगा रहे हो, पार्टनर्स को लगाने दो कितना लगाना है। आप क्या करोगे? नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है। क्वेश्चन में दे देते हैं छोटी सी लाइन में, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाउ शो द एंट्रीज अबाउट रिगार्डिंग इन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फलना टिपकाना। जब साइलेंट है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ही कोई बात नहीं हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो देंगे ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट एज ए चार्ज, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई ये चीजें, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एज चार्ज, चार्ज लगाना है तो फुल इंटरेस्ट देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। जब चार्ज की बात हो जाती है तो पूरा, चाहे बिजनेस लॉस में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट को जब चार्ज के जैसे ट्रीट करना है तो फिर मतलब कंपल्सन हो गया, कंपल्सन हो गया, आपको देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, कंपल्सरी है, आपको देना ही पड़ेगा। तो पूरा इंटरेस्ट देंगे, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। फिर देखिए, पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, की इंटरेस्ट की बात तो हुई है लेकिन ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट को चार्ज मानना है कि एप्रोप्रिएशन मानना है, उसने बताया ही नहीं कि चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना। तो आप क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन मान लो। अगर उसने नहीं बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो आप उसको एप्रोप्रिएशन मान लो कि एप्रोप्रिएशन है, जितना प्रॉफिट बचेगा उतना दे देंगे, जितना प्रॉफिट बचेगा उतना दे देंगे। ठीक है, लॉस, अगर बिजनेस को लॉस हुआ है तो नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट है वो ज्यादा है इंटरेस्ट से या इंटरेस्ट के बराबर है, तो फुल इंटरेस्ट दे देंगे। फिर दे दो, जब प्रॉफिट है तो दे दो, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिक्कत है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट बच रहा है बिजनेस के पास वो जितना इंटरेस्ट है 50,000 का, 50,000 इंटरेस्ट है, प्रॉफिट कितना है 40,000 प्रॉफिट है, तो कितना दोगे आप इंटरेस्ट? 40,000 दोगे, 50,000 नहीं दोगे। जितना प्रॉफिट बचेगा उतना दे देंगे, जितना बचेगा उतना दे देंगे, मतलब 40,000 दे दो। अब मान लीजिए दो पार्टनर्स है, ठीक है, दोनों को देना पड़ रहा है। ये देखिए, एक एक ही कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट बना? 10,000। बी की कैपिटल पे कितना बना? 20,000।
मान लीजिए 30,000 टोटल इंटरेस्ट, बिजनेस को प्रॉफिट हो गया कितना, 20,000। अब इंटरेस्ट कैसे बांटेंगे, 10,000 रेशियो 20,000, 1:2। प्रॉफिट रेशियो से कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट का रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लो कितना बन रहा है। पूरा पैसा दे नहीं सकते हम, 20,000 ही दे सकते हो, 20,000 को इंटरेस्ट के पैसे में डिवाइड कर दो कितना, ये बनेगा 6,666। छह हजार 666 कुछ बनेगा, और दूसरे का कितना बनेगा, 20,000 इंटू में 2/3 = 13,300। यहाँ पे कर लो 6,667, 13,333। कहने का मतलब है बच्चे, 20,000 प्रॉफिट था तो, और एक इसका, ए का कितना बना था, 10,000, बी का 20,000, तो 30,000 कहाँ से देंगे जब प्रॉफिट ही 20,000 बना हुआ है। तो 20,000 को 10 और 20,000 में बांट दो, 1:2 के रेशियो में बांट दो, ये रेशियो निकाल लो यहाँ से, 1:2, 1:2, और 20,000 को 1:2 में डिवाइड कर दो। तो इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लेना, प्रॉफिट रेशियो से फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट का जितना रेशियो बनता है उस रेशियो में बचे हुए प्रॉफिट को डिवाइड कर देना, ठीक है। ये जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करेंगे ना, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। अब देख लीजिए, इंटरेस्ट और कैपिटल कैसे निकालेंगे, नहीं सॉरी बच्चे, इंटरेस्ट और ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट और ड्रॉइंग कहां से होता है, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। सिंपल मेथड में कैसे निकलता है, सिंपल मेथड क्या करता है ना, पहले एवरेज टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, सिंपल मेथड, आपको ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बच्चे याद कर लो, एक तो ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज हो गया, ये एवरेज टाइम पीरियड निकल जाएगा। इसके बेसिस पर आप इंटरेस्ट लगा दोगे। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड कब लगाया जाता है बच्चे, जब अनइक्वल अमाउंट और इररेगुलर टाइम पांच हजार कभी निकाल लिया, 10,000 कभी निकाला, 3,000 कभी किसी महीने में निकाल लिया, मतलब अनइक्वल अमाउंट इररेगुलर टाइम, तब आप क्या लगाओगे बच्चे, तब आप लगाओगे प्रोडक्ट मेथड। और यहां पे जरा एक बार फिर से देख लेना, सिंपल मेथड आप समझ गए, सिंपल मेथड, सिंपल आपको दे रखा होगा कि इतना परसेंट इंटरेस्ट निकाल दो इतने पैसे के ऊपर, ठीक है। आपको प्रोडक्ट मेथड समझ आया, कब लगाना है, जब अनइक्वल अमाउंट, अलग अलग अमाउंट निकाल रहे हो महीने में, कभी कभी इतना पैसा उस महीने में निकाल लिया, इतना पैसा अनइक्वल अमाउंट है, बार बार अलग अलग अमाउंट निकाला है, और इररेगुलर टाइम पीरियड मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है कि हर महीने इतना इतना निकाल लिया, नहीं, पहले महीने में 10,000 निकाल लिया, 3 महीने बाद 20,000 निकाल रहे हो, और 2 महीने बाद 15 निकाल लिया, और 1 महीने के बाद 4,000 निकालिया, अनइक्वल अलग अलग अमाउंट निकालिया, अलग अलग टाइम पीरियड पे निकालिया, तो आप क्या लगाओगे, प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, ठीक है। अब एक बार प्रोडक्ट मेथड देखो बच्चे, ओह ये तो सॉल्व है ना, पहले से हमें लगा था हम कैलकुलेट करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, ये सम टोटल है। प्रोडक्ट मेथड कैसे निकाला है, आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉल देख के रखा होगा कि मई 1 को कितना, और एक अमाउंट देके रखा होगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला पीरियड और ये वाला आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये दोनों पोर्शंस। कैसे, मई 1 को आपने 6,000 निकाल लिए, तो मई 1 को, और बेस क्या ले लिया, 31 मार्च तक गिनो,
कितना बना? मई, फर्स्ट मई को निकाला है ना, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 महीने हो गए। यहाँ पे 11 लिख दो। 31 जुलाई को निकाल लिए, 31 जुलाई को, और से लेकर 31 मार्च तक गिनना शुरू करो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 8 महीने हो गए। सितंबर 30 से 31 मार्च तक गिनो। तो सितंबर के बाद क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6 महीने हो गए। 6 महीने लिख दिए। नवंबर 30 से गिनना शुरू करो, 31 मार्च तक। नवंबर 30 मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 4 महीने लिख दिया। जनवरी 1 से 31 मार्च तक, 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने हो गए? 3 महीने हो गए। लिखा 31 मार्च को निकाला, मतलब 0 महीने बचे। 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने बने? 0। ये सारा अमाउंट आपको हमेशा दे के रखा होगा, कितना कितना अमाउंट इरेगुलर है। एक बार 6,000 निकाले, फिर 3, 4.5, 6, 4, 3.5 ऐसे निकाल लिया। तो प्रोडक्ट कर दो अब इनका, अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, जो पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। 11 को 6,000 से मल्टीप्लाई किया, 66,000। 8 को 3,000 से मल्टीप्लाई किया, 24,000। 6 को 4,500 से मल्टीप्लाई किया, 27,000। 4 को 6,000 से मल्टीप्लाई किया, 24,000। 3 को 4,000 से मल्टीप्लाई किया, 12,000। 0 को 3,500 से मल्टीप्लाई किया, 0 को, तो क्या आ गया? 0। अब इनका सम टोटल कितना बना? 1,53,000। अब 1,53,000 पर आपको इंटरेस्ट निकालना है बच्चे। 1,53,000 पर देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल मेथड क्या था बच्चे इंटरेस्ट निकालने का? टोटल प्रोडक्ट इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 1/12। ये है टोटल प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें लिख दो प्रोडक्ट का टोटल कितना है, ये रहा 1,53,000। कलर चेंज कर देते हैं, आपको इजी रहेगा। ये देखिए 1,53,000 टोटल है, प्रोडक्ट्स का टोटल है। तो यहाँ पे लिख दो 1,53,000 इंटू में रेट, क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखा, मान लीजिए 9%, ठीक है, 9% रेट है, 9/100 इंटू में यहां पे 1/, ठीक है, 1/12 फिक्स रहता है टोटल प्रोडक्ट मेथड में। अब इनको डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 12 से 4 पे और ये 3 पर, 3 3 9, इनका मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3 और 1 4 5 9 0 डिवाइडेड बाय 4, कितना बन गया? 11,47.5। ये निकल गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। टोटल प्रोडक्ट मेथड से ऐसे ही निकलेगा। आपको इतना समझ आया होगा मुझे लगता है। अब आगे देखिए बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो नॉर्मल मेथड होता है उससे देखो। ये मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल हम बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले हम एक एक करके सब देखेंगे कि कैसे निकलता है। अभी आपने जो देखा उसमें क्या देखा हमने बच्चे, कि इन केस अलग अलग आपने अनइक्वल निकाला। अभी जो देखा वो देखा कि अनइक्वल निकाल रहे हैं तो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अनइक्वल अमाउंट निकाल रहे हैं, अनइक्वल इरेगुलर टाइम पीरियड पे। अब आप एक ही अमाउंट निकाल रहे हो, मान लो इक्वल अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड, इक्वल अमाउंट और फिक्स टाइम पीरियड, तो कैसे होता है इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इक्वल टू
कैसे निकलेगा? टोटल ड्रॉइंग्स। इंटू में रेट बाय 100 इंटू में एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 100, सॉरी बच्चे 12, एवरेज मंथ है ना तो नीचे 12, ये इंटरेस्ट का हो गया। अच्छा एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे मैम? तो एवरेज मंथ ये देखिए, इसका भी फॉर्मूला होता है, आपको अगर याद भी नहीं रहता है ना तो आप हर क्वेश्चन में ऐसे भी निकाल सकते हो। टाइम लेफ्ट या फिर मंथ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली बार जो पैसा निकाला था ना उसके बाद कितने महीने बाकी रह गए, प्लस में मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, आखिरी बार पैसा निकालने के बाद कितना टाइम रह गया, कितना महीने बचे हैं साल पूरा होने में, डिवाइडेड बाय टू। अब मान लीजिए कैसे एवरेज मंथ निकालेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चन केस देखो, केस वन, केस वन क्या है बच्चे, सेम अमाउंट निकाल रहे हैं लेकिन ड्रॉइंग्स मेड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, जो ड्रॉइंग्स आपने की है ना बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में निकाल रही है, मान लीजिए हर महीने के शुरुआत में निकाल रहे हो, हर महीने के एवरी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में पैसा निकाल रहे, निकालो एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज मंथ निकालो, कैसे निकालोगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग कब की होगी? चलिए मान लीजिए टाइम पीरियड ले रहे हैं जनवरी टू दिसंबर, टाइम ये वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये मानकर चलो हर एक केस में ये अज्यूम कर लो अभी के लिए, पहली जनवरी को आपने एक ड्रॉइंग किया तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बच गए, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने, प्लस में आखिरी ड्रॉइंग कब की होगी, हर महीने के स्टार्टिंग में, हर महीने के बिगिनिंग में निकाले, 1 तारीख को निकाले, 1 जनवरी को निकालिए, आखिरी ड्रॉइंग कब की, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम बच गया, 1 महीने का, पूरा दिसंबर बच गया ना बच्चे, डिवाइडेड बाय टू, 13 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6.5 मंथ्स, ठीक है। अब केस टू देखो, केस टू क्या कहता है, ड्रॉइंग्स मेड इन मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, बताओ मान लो पहली ड्रॉइंग कब की होगी, 15 जनवरी को की होगी, और लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी, 15 दिसंबर को, हम जनवरी से दिसंबर तक का टाइम पीरियड लेकर चल रहे हैं, तो पहली ड्रॉइंग के बाद कितना है टाइम पीरियड, पहली ड्रॉइंग के बाद 15 दिन बच गए, 11 महीने और 15 दिन, मतलब 11.5 महीने, 11.5 महीने, पहली ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बच गया, 11.5 महीने, क्योंकि 1 साल में से 15 दिन तो चले गए ना, आखिरी ड्रॉइंग के बाद 15 दिसंबर को, मतलब आधा महीना बच गया, आधा महीना कितना, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 6 मंथ्स। थर्ड केस देखो, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिर में पैसा निकाल है, हर महीने के आखिर में पैसा निकाल है, मान लीजिए पहली ड्रॉइंग कब की, 31 जनवरी, लास्ट ड्रॉइंग कब की, 31 दिसंबर, ठीक है, पहले ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बचा, 11 महीने, प्लस में क्योंकि 31 जनवरी को निकाला ना तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 11 महीने बच गए, पूरा जनवरी चला गया ना, आखिरी ड्रॉइंग 31 दिसंबर को निकाले, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का 0, तो 0 लिखो, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5.5 मंथ्स,
नेक्स्ट देखो बच्चे। अच्छा अभी आपने मंथ्स देख लिया, ठीक है, आप रेगुलर अमाउंट निकाल रहे हो मंथ्स में। अब मुझे ये बताओ बच्चे, अगर आपने क्वार्टर में निकाला तो ये बन जाएगा क्या? केस फोर देखो, क्वार्टर्स देख लो पहले, क्वार्टर्स क्या होते हैं। क्वार्टर्स 3 महीने का टाइम पीरियड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कितने क्वार्टर्स हो गए? 1 2 3 4, 4 क्वार्टर बनते हैं हर केस में, तो केस 4 पढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन, क्या केस हो सकता है कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में आपने इक्वल अमाउंट निकाल लिया, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। चलिए बच्चे, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो मान लीजिए बिगिनिंग में हर क्वार्टर के, तो आपने कब निकाला होगा? 1 जनवरी, 1 जनवरी को निकाल लिया पहली ड्रॉइंग। आखिरी ड्रॉइंग कब होगी? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर कब शुरू होता है? अक्टूबर में, आखिरी वाला क्वार्टर, तो 1 अक्टूबर को निकाल। आखिरी ड्रॉइंग कब हुई? 1 अक्टूबर को। 1 जनवरी के बाद कितने महीने बच गए? 12। 1 अक्टूबर के बाद कितने महीने बचते हैं? 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो एवरेज टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 12 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ्स। केस 5, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में पैसा निकाला है। मिडल क्या मानेंगे? महीने के बिल्कुल बीच का, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। कब निकाला होगा क्वार्टर की? तो पहला क्वार्टर कब होता है? जनवरी फरवरी मार्च, तो मिडल में यानी कि 15 फरवरी को पहली ड्रॉइंग की आपने। आखिरी ड्रॉइंग कब की होगी? क्वार्टर, आखिरी क्वार्टर क्या होता है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो नवंबर 15 नवंबर। मिडल ऑफ क्वार्टर के बीच का टाइम क्या होगा? 3 महीने का एक क्वार्टर है, 1.5 महीना एक तरफ, 1.5 महीना एक तरफ, बीच का ले लो तो 15 नवंबर। क्वार्टर क्या होता है? 3 महीने का सेट है, एक क्वार्टर 3 महीने का सेट होता है। क्वार्टर के बीच में निकाली मतलब कि 3 महीने के बीच का, यानी कि 1.5 महीना एक तरफ निकाल दो। 15 फरवरी से और 31 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड हो गया बच्चे? 10.5 महीने प्लस में 15 नवंबर के बाद कितना बच जाता है? 1.5 महीना डिवाइडेड बाय 2, कितना निकला? 12 डिवाइडेड बाय 2। जब भी मिडल ऑफ क्वार्टर होता है या मिडल ऑफ ईयर होता है, आप क्या मानना है? 6 मंथ्स ही टाइम पीरियड निकलता है। मिडल ऑफ क्वार्टर ले लो या मिडल ऑफ ईयर ले लो, हमेशा 6 मंथ्स आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा आपने मिडल देख लिया, अब ड्रॉइंग्स मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, केस 6 एंड ऑफ ईच क्वार्टर क्या रहेगा? एंड में मतलब कि पहला क्वार्टर कब होता है? जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च के एंड में मतलब 31 मार्च पहली ड्रॉइंग हो गई। आखिरी कब होती है? आखिरी का सेट क्या है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आखिरी का सेट है। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर, आखिरी मतलब 31 दिसंबर, क्वार्टर के आखिरी में यानी कि 31 दिसंबर। कितना? मार्च, 31 मार्च से स्टार्ट करो, दिसंबर तक काउंट करो, 9 महीने प्लस में 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 0 महीने डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4.5 मंथ्स। आपको समझ आया? ये सारे केसेस मैंने आपको पढ़ाए, अब मैं इनकी एक टेबल बनाकर दिखाती हूँ बच्चे। आप मान लीजिए बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, नहीं नहीं पहले क्वार्टर्स, हाँ ठीक है ये रहा ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में अगर आपने निकाला है, तो हमने अभी केस किया था
बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का आंसर क्या था? 7.5 मंथ्स। तो क्या था? 7.5 मंथ्स। तो यहां क्या लिखेंगे? 7.5 मंथ। फिर है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मान लीजिए आपने क्वार्टर के एंड में निकाला है, क्वार्टर के एंड वाली ये स्लाइड देखिए, 4.5 मंथ्स। क्या आया? 4.5 मंथ्स। तो टेबल में जाके लिख दो एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ। जब भी बोला मिडल ऑफ ईच क्वार्टर तो 6 मंथ्स, देखने की जरूरत ही नहीं है। पूरे साल पैसा निकाला है, मिडल ऑफ एवरी मंथ तो भी 6 मंथ्स, तो भी 6 मंथ्स। अच्छा, अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकाला है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या निकलता है? तो इसका आएगा 6.5 महीने, 6.5 मंथ्स। ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिर में, तो निकलेगा कितना? 5.5 मंथ्स। ये चाहे आप पूरा टेबल याद कर लो, अगर आपको एवरेज पीरियड नहीं निकालना, मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया कि कैसे निकलता है एवरेज मंथ वाला पीरियड, कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए, इन केस क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो। अदरवाइज ऐसे रट्टा भी मारा जा सकता है, लेकिन रट्टा मत ही मारो, मैं तो बोलूंगी तो शॉर्टकट है, आपको जल्दी क्लियर क्वेश्चन खत्म करना है तो आप पूरा प्रोसेस, पूरा एवरेज टाइम पीरियड भी निकाल कर दिखाओगे तो मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो आपको मेथड भी पता होना चाहिए। तो बच्चे आज की क्लास के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई क्लासेस के साथ। हाँ, हम यही यूनिट स्टार्ट कर रखी है तो यही यूनिट खत्म करेंगे हम, लेकिन हाँ लेक्चर 2 होगा बच्चे, उसमें कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे हमने, जो आज जिसका थ्योरी पढ़ा है, पूरे आइटम्स जो भी थे उनका ट्रीटमेंट, और कैसे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और कैसे हम पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस को यूज करने वाले क्वेश्चंस में, मैंने वो सब आपको बता दिया। आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।